हेलो दोस्तों, इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज शेयर का एनालिसिस और एक्सपर्ट से जानेंगे इसके अगले टारगेट क्या हो सकते हैं। तो मैंने सुन लिया दोनों आपके IEX और बजाज फिनसर्व। सरवन जी, IEX में क्या राय बनेगी और बजाज फिनसर्व में? देखिए, IEX में भी काफी लंबे से यार लेके बैठे हैं आई थिंक, बट यहाँ पे भी खाली एक पुल बैक चल रहा है और बहुत ज्यादा अभी 200 के ऊपर जाके टिकेगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा है सेटअप्स देख के, और 200 से ही इसका साइकोलॉजिकल मार्क से ही अभी अभी जो करेक्शन आया है वहीं से आया है, तो आई थिंक इनका भाव आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। स्टॉक को 200 के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तो जब तक वो नहीं हो रहा है, जिस दिन तक वो नहीं हो रहा है तब तक तो ये समझे कि भाव नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन 200 से ब्रेकआउट करेगा आई थिंक उस वहां से भी 1 से 3 महीने लगेंगे इनके इनके प्राइसेस आने के लिए। बट आई थिंक अभी छोटी क्वांटिटी है और चाहे तो मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहे क्योंकि शॉर्ट टर्म सेटअप्स तो अच्छे लग रहे हैं, तो लेट्स होप नेक्स्ट 15-20 डेज जैसे मैं बोला 200 का ब्रेकआउट हो जाए तो फिर ये इन द मनी आने के इनके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल ट्रेड में IEX में इनको मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए।